हनोई। सो हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह आ गए हैं। सुबह सुबह की फ्लाइट थी फ्रॉम दनांग टू हनोई। सुबह लैंड करके वी हैव चेक्ड इन टू आवर होटल विच वॉज अबाउट 40 मिनट्स 45 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट। एयरपोर्ट थोड़ा आउटर में है सो थोड़ा टाइम लगा। वी चेक्ड इन ओवर हेयर, फिर लंच टाइम हो रहा था सो वी वेंट आउट टू हैव लंच एट अ वेरी फेमस प्लेस ऑफ हनोई विच इज 410। उस होटल उस रेस्टोरेंट का नाम 410 है। एंड वॉट इज इट फेमस फॉर? इट्स फेमस फॉर इट्स सूप। उस सूप को बोलते हैं फो। फो होता है क्लियर सूप विद नूडल्स इनसाइड एंड योर चॉइस ऑफ मीट। सो बहुत ही रिफ्रेशिंग एंड अ परफेक्ट डिश टू स्टार्ट योर डे विद। सो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रेश था, काफ़ी लेमनी और लेमन ग्रास इन सब चीज़ों का फ्लेवर था एंड इट वॉज क्वाइट फिलिंग। सो वो खाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं इन टू आर होटल। अब देखते हैं कि क्या करना है, स्कूटी राइड करनी है या प्राइवेट कार बुक करनी है टू व्यू द लोकल ओवर हेयर, लोकल स्पॉट्स जो भी हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। पर आप लोग क्या कर रहे हो? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वियतनाम सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो एंड वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगे तो जाके लाइक बटन जरूर हिट करना। तो चलो हमारे साथ घूमो हनोई। सो हम लोग निकल चुके हैं हनोई की गलियों में एक्सप्लोर करने ऑन स्कूटी। बट उससे पहले चाहिए उसके लिए क्या? पैसा। तो हम लोग पहले जा रहे हैं ATM ढूंढने एंड ATM से पैसे निकालेंगे, फिर स्कूटी राइड करेंगे। एंड यहाँ पे पहले प्लान है यहाँ का प्रिजन और टेम्पल ऑफ लिटरेचर पहले विजिट करने का, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लोज होना शुरू हो जाती हैं बाय 4:30 या 5 PM। तो पहले वो जल्दी जल्दी करना है। एंड हमारा जो होटल का लोकेशन है दैट इज आई थिंक अ सेंट्रल प्लेस फॉर टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पे खाने की भी जगह पास में है, टूरिस्ट स्पॉट्स भी पास में है। सो इट्स अ गुड लोकेशन। आई विल राइट नेम ऑफ द होटल इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन ऑल्सो गो देयर इफ यू प्लान टू विजिट हनोई। एंड होटल एकदम सेंट्रल मार्केट में है तो आसपास कैफेज, कॉफी शॉप्स, कॉफी बीन्स मुझे लेनी है राइट फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन वी एंटर्ड वियतनाम। बट अभी तक हम लोग नहीं ले पाए हैं बिकॉज कॉफी बीन्स अगर आप पहले से ले लेते हो देन देयर इज अ रिस्क कि इसके ऑयल्स खराब हो जाएं एंड विश्नु इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट हिज कॉफी। हमें बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा बट हम लेंगे ज़रूर बिकॉज यहाँ की कॉफ़ी का अरोमा मैं पहले भी बता चुकी हूँ इज अमेजिंग, इट कैप्चर्स यू, बहुत ही अच्छा है। तो बस अभी स्ट्रीट्स पे हम लोग चल रहे हैं। मैक्सिमम लोग हमेशा की तरह स्कूटी पर ही हैं एंड ट्रैफिक बिकॉज इट्स अ बिग सिटी तो ट्रैफिक भी बहुत है। स्पा सेंटर्स, मसाज सेंटर्स हर जगह मिल जाते हैं यहाँ पे। बस अब चलते हैं टू फाइंड द ATM। हनोई एक्सप्लोर करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पहला हमारा स्पॉट है टेम्पल ऑफ लिटरेचर विच इज क्वाइट ओल्ड, वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ हनोई एंड इट इज वे ओल्ड, लाइक इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ओवर हियर। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द टेम्पल्स वेयर विच वॉज बिल्ड टू वर्शिप टीचर्स, उनकी ब्रिलियंस एंड उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इट वॉज बिल्ड। एंड शुरुआत में ओनली द किंग्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स कुड लर्न ओवर हेयर एंड वेन द टाइम वेंट ऑन तो उसके साथ नॉर्मल लोगों के भी बच्चे यहाँ पे बढ़ते थे एंड देन दे गॉट हाई स्टेटस बाय द कम्युनिटी। तो यही है, अब बस हम लोग एंटर किए हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर एंड भी काफ़ी बड़ा है ये, बोलते हैं एक घंटा चाहिए होता है टू एक्सप्लोर दिस एंड यू ऑल्सो गेट अ ऑडियो गाइड टू एक्सप्लोर दिस एंड ऑडियो गाइड एक्सप्लेन्स यू इन इंग्लिश व्हाट इज व्हाट धीरे धीरे करके। सो वी आर एट पॉइंट वन अकॉर्डिंग टू द ऑडियो गाइड। आगे चलते हैं, जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे मैं भी आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो लेट्स गो। सो हमने बस एंट्री की है इन द टेम्पल ऑफ लिटरेचर और दिस ऑडियो गाइड ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एक्सप्लेन करना यहाँ की रिच हिस्ट्री के बारे में। सो फॉर एग्जाम्पल आप जो पीछे यहाँ पे एंट्रेंस देख रहे हैं, जो मेन एंट्रेंस है, इट स्टैंड्स ओनली ऑन 4 पिलर्स विदाउट एनी वॉल्स एंड इसके ऊपर डबल रूफ है जिसका एक सिग्निफिकेंस है। सामने पॉन्ड है, अगेन उसका भी सिग्निफिकेंस है। नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट दिस थिंग, दिस गेट, एंट्रेंस गेट इज ऑन देयर 1 lakh rupee नोट एज वेल। सेम चीज़ यहाँ पे भी प्रिंटेड है, द सेम एंट्रेंस इज ऑन द नोट एज वेल, क्योंकि इसका रिच सिग्निफिकेंस है। एंड जहाँ के सेंटर पे हम खड़े हैं इसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन ऑफ लिटरेचर, मीनिंग वी आर राइट इनसाइड
द सेंटर ऑफ लिटरेचर. कॉन्स्टिलेशन इन्होंने रेफर किया है टू द क्वे कॉन्स्टिलेशन. जैसे कि क्वे कॉन्स्टिलेशन रिच एंड ब्राइट शाइन देता है, वैसे ही यहाँ का लिटरेचर इज ऑल्सो वेरी ब्राइट. सो हम जिस जगह खड़े हैं उसका अगेन बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. तो पहले यहाँ पर किंग क्वीन या मैंडरिन्स आके पहले इंसेंस जलाते थे बिफोर वर्शिपिंग. अंदर जाके पहले यहाँ पे इंसेंस जलाते थे एंड देन फिर अंदर जाते थे. तो यहाँ पर आप देखोगे एक गोल्डन कलर का क्रेन है विच इज स्टैंडिंग ऑन अ टॉर्टॉइस. तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि नेचर में बैलेंस है बिटवीन हाई एंड लो, बिटवीन वेट एंड ड्राई. सो बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत ही रिच हिस्ट्री है. अंदर जाके मेन एरिया है ऑफ वर्शिप, जहाँ पे मेन जिनको वर्शिप किया जाता था उनका स्टैचू है एंड उनके चार डिसाइपल्स का स्टैचू है. सो दिस इज द मेन एरिया जहाँ पे लोग जाके वर्शिप कर रहे हैं. एंड या दिस इज इट अबाउट लिटरेचर ऑफ म्यूजियम. और भी जगह है, चलो वहाँ जाके एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर आने के बाद आपको ज़रूर बहुत ही पीसफुल, बहुत कामनेस ऐसा महसूस होता है. बहुत ही शांत जगह है, इन स्पाइट ऑफ मेनी पीपल ऑफ अ क्राउड बीइंग हियर, बहुत ही शांत है. तो बहुत ही अच्छी जगह है टू विजिट, अ मस्ट विजिट प्लेस. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉट. बस हम वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स द मेन एंट्री एंड वहीं से एग्जिट होगा. बट जाते जाते ये है रास्ते में एंड दिस इज अ बॉन्साई विच मस्ट बी वे बैक, बहुत पुराना होगा. एंड देखो कितना सुंदर है, वेरी प्रिटी. ऐसे बहुत सारे बॉन्साइज हैं, इधर एक उधर एक, जस्ट सामने बहुत बॉन्साइज हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी. बॉन्साई के जस्ट पीछे कैलीग्राफी भी हो रही है तो वो देखने में भी मज़ा आता है. बट चलो यहाँ का टूर बहुत हो गया, और भी जगह एक्सप्लोर करने की, जल्दी जल्दी चलते हैं. 2 hours later. हम हैं हनोई में और आपने यहाँ की कॉफ़ी नहीं ट्राई की तो क्या ट्राई की. तो यहाँ पे फेमस है एग कॉफ़ी एंड हमारी कॉफ़ी हंट यहीं पे ख़त्म हुई है. वी हैव फाउंड वन ऑफ द ट्रेजर्स ऑफ कॉफ़ी शॉप, जो कि यहाँ से होके जाता है इस बुटीक के रास्ते से. हमें जाना है अंदर टू ट्राई दी एग कॉफी विच इज फेमस इन हनोई. लेट्स गो. जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं हमें धीरे धीरे दिखता जा रहा है कि कैफे कितना सुंदर है, कहाँ से शुरू होता है, कैसा दिखता है, बिल्कुल ही अलग. यहाँ पे जाने के लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत मेहनत ये यूनिक एग कॉफी ट्राई करने के लिए, क्यों ये काफी फ्लोर ऊपर है. तो हम चढ़ाई करके जा रहे हैं टू ट्राई एग कॉफी. होप इट्स वर्थ इट. So we are here on the rooftop to try the egg coffee. Egg coffee आ चुकी है. यहाँ का view बहुत अच्छा है, temperature बहुत अच्छा हो रहा है ऊपर बैठने के लिए. पीछे lake का view है. मैं अपनी egg coffee के साथ बैठी हूँ, just ready to try it. तो चलो मैं try करके बताती हूँ कैसी है. यार ये तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी egg का taste नहीं आ रहा. And it is like a dessert. Thick, पूरा ऊपर से नीचे, लाइक दिस एंटायर कॉफी इज थिक. ऐसा नहीं है कि ऊपर बस फोम है. दिस एंटायर कॉफी इज वेरी थिक, वेरी क्रीमी, वेरी टेस्टी. बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल एग का फ्लेवर नहीं आ रहा. एंड दिस इज अमेजिंग. जो हमने चढ़ाई की थी सीढ़ियों की वो वर्थ इट थी. जो ढूंढा था, जो ढूंढने में टाइम लगाया था वो वर्थ इट है. एंड दिस कॉफी इज टेस्टी टू माई सरप्राइज. हमने पहले आने से यहाँ के रिव्यू देखे थे, रिव्यूज वर नॉट नाइस, दे मेड फेसेस, बट माई रिव्यू इज क्वाइट नाइस एंड दिस इज क्वाइट टेस्टी. Let's enjoy. तो हो सकता है कि हमने जहाँ से रिव्यूज देखे सुने उन्होंने कहीं और से कॉफी ट्राई की, एग कॉफी ट्राई की, जो कि अच्छी नहीं लगी उनको. बट हमने यहाँ पे ट्राई की है. हम इस जगह का डिस्क्रिप्शन नीचे लिख देंगे एंड आप यहीं पर आके ट्राई करो, बिकॉज दिस कॉफी इज अमेजिंग. दिस कॉफी इज लाइक अ डेजर्ट. बिल्कुल भी एग का फ्लेवर नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छी है, पूरी पूरी क्रीमी है. So this is a must try if you are in Hanoi. A little later. तो हम आ गए हैं अपने डिनर हंट पे और हमारा डिनर हंट खत्म हुआ है यहाँ पे. हमने सोच लिया था कि किसी फैंसी कैफे में नहीं जाना है, लोकली स्ट्रीट फूड खाना है. तो उसके लिए हम आ गए हैं यहाँ का फेमस बन चा खाने, जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पूरा एक्सपीरियंस होता है खाने का. सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट. तो पहले यहाँ पे क्या है, मेरे पास है कुछ वर्मिसेली नूडल्स जो कि आपको अलग से मिलते हैं. देन यू गेट a load of vegetables in the sense salad ke liye leaves aur lemon for dressing. Yahan pe vinegar hai, fish sauce hai, and then you have your choice of meat in some broth, in some soup. So ye sab ko mix karke you can create your own kind of taste and savor dish, delicious dish. So आप यहाँ पर आपको मेन्यू नहीं होता, यहाँ पर आपको बस ऑर्डर करना होता है कि वन या दो. तो हमने एक ही ऑर्डर किया है, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. सो लेट्स एंजॉय दिस डिलीशियस फूड. ऑल्सो दिस इज स्प्रिंग रोल मेड विद क्रैब मीट, अंदर क्रैब का मीट है. वेरी यमी, वेरी टेस्टी. आज का दिन खत्म होने वाला है और दिन खत्म होने के साथ
मेरे हस्बैंड ने मुझे इम्प्रेस कर दिया है बाय चूजिंग द होटल। जो होटल हनोई में हमारा है उससे सब कुछ पास में है, इफ यू आर अ टूरिस्ट सब कुछ पास में है। सो होटल का नाम है हनोई विक्टर ग्रैंड, तो मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप ये लोकेशन सर्च कर सकते हो और इसी के आसपास अपने होटल्स बुक कर सकते हो। इस होटल के पास है टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि लिटरेचर टेम्पल, प्रिजन, खाने की चीज़ें जहाँ पे हम लोग गए थे, द फो कैफे जो कि बहुत ही फेमस है, फिर हमने रात में जो खाया है अभी जो हमने लंच किया है दैट वॉज अमेजिंग, वो हमने लोकल स्ट्रीट साइड बैठ के खाया है, बहुत मजा आया। दैट इज बन चा, अगेन एक तरह का नूडल सूप जो आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही अच्छा था। अब फिर वहां से हम लोग बस चलते फिरते, क्योंकि वेदर इतना अच्छा हो रहा है, चलते फिरते आ गए हम लोग इस तरफ आ गए, हमने सर्च वर्च नहीं किया, हम लोग बस इस चलते चलते आ गए एंड चलते चलते हमें मिला ये। सो दिस इज ऑरेंज एंड मैंगो ऊलोंग टी। इस शॉप का नाम है मिक्स्यूई एंड दिस इज सिंस 1997, काफी पुरानी है। एंड दिस टी इज वेरी वेरी यम्मी, बहुत टेस्टी है, आराम से इसको चलते चलते पियेंगे। और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे नाइट लाइफ लोग इन्जॉय करने आते हैं, तो मेरे जस्ट ऑपोजिट है जहाँ पे लोग नाइट लाइफ इन्जॉय करते हैं, क्लब्स, कैफेज, बार्स, सारी लाइट्स पूरी नाइट लाइफ की। एंड मैं इधर इधर चल रही हूँ तो मुझे दिख रही है ये जो कि है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, जो कि आपको हनोई का डे टूर कराएगी। सो पीपल ऑल्सो गो विद दिस टू गेट अ टूर ऑफ हनोई, सारे लोकल स्पॉट्स थे। एंड इसके जस्ट पीछे, मेरे जस्ट पीछे है ये लेक जहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हो। तो एक ही स्पॉट पे आप एकदम डांस करके अच्छा पार्टी मूड कर सकते हो, पार्टी मूड करने के बाद आराम से चिल करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। तो इसी के साथ आज का दिन तो खत्म हो रहा है एंड हम थोड़ा सा चिल ही रख रहे हैं आज का दिन। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।